नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। रायबरेली प्रदेश सरकार निकाय कर्मचारियों के उत्थान के लिए तमाम वादे कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन जनपद के सफाई कर्मचारियों की मांग अब अधिकारियों के गले की हड्डी बन गई है। इसके लिए वह गाली गलौज उतारू हो गए हैं। लंबित देयको के भुगतान के लिए सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन। इसी क्रम में 19 अक्टूबर 2022 को सफाई कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष से अपनी वार्ता करने गए थे। कर्मचारियों का आरोप है कि वहीं पर उपस्थित बाबू आशुतोष सिंह, राम प्रकाश शुक्ला, प्रधान लिपिक शरद त्रिवेदी, संग्रह अमीन प्रदीप सिंह द्वारा सफाई कर्मचारियों को देखते ही कहने लगे कि आ गए भीख मांगने और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उपस्थित बाबू ने कहा कि भाग जा, यहाँ से कोई पैसा नहीं मिलेगा, दोबारा यहाँ आओगे तो मारे जाओगे। इसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। जी हाँ, बताते चले कि 19 अक्टूबर को कर्मचारियों ने विभाग में नारेबाजी की थी, जिस पर अधिशासी अधिकारी और लेखाकार गिरीश सिंह द्वारा बताया गया कि कर्मचारियों ने वहाँ पर गाली गलौज और मारपीट की धमकी दी थी, जिसको लेकर विभाग ने नोटिस भी जारी की है। अब देखना यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की याद तनातनी कहां तक जाती है। संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, रायबरेली। कल नगर पालिका आप गए थे अपनी कर्मचारियों की देयकों के भुगतान के लिए, क्या हुआ वहां पे? मैं संजय कुमार मौर्य, संगठन का जिला महासचिव। मैं कल अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का एक सिपाही हूँ। कल मैं अपने कुछ रिटायरमेंट कर्मचारियों व मृतक हो चुके उनके परिजनों को लेकर नगर पालिका कार्यालय माननीय अफसासी अधिकारी महोदय से मिला, अध्यक्ष महोदय से मिला और लेखाकार महोदय से मिला, सार्थक वार्ता किया। सारी बातों को हमने अपनी कर्मचारियों की रखी, उन्होंने इस पर आश्वासन दिया कि जो गलती हो गई है भुगतान को लेकर उसको हम संशोधित करके उन कर्मचारियों को आपकी सूची के अनुसार, जो भी आपने सूची दी है उसके अनुसार हम भुगतान करेंगे। उसके बाद ये सारी वार्ता होने के बाद हम लोग वार्ता कर ही रहे थे तो कुछ वहाँ पर बाबू वर्ग थे, उन्होंने मतलब जलील करने का हम लोगों का प्रयास किया, जिसको क्षुब्ध होके हम लोग बहुत नाराज हैं। उन्होंने अभद्रता का परिचय दिया और वहाँ से भाग जाने, गंदी गंदी गालियाँ दिया, ये अशोभनीय था और उसका उल्टा इल्ज़ाम हमारे सफाई कर्मचारियों पर लगाया गया कि उन्होंने ही हमको गाली दिया है, मारने की धमकी दी है। हमारा तो बहुत छोटा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, जो रोड पर अपने आप को जमीन में दफन कर रखा है, आपकी सेवा करता है, उसके बावजूद भी उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, ये बहुत निंदनीय है। इसको लेकर आप संगठन क्या करें? संगठन इसको लेकर बहुत गंभीर है और चिंतित भी है, और कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए हमेशा आगे से आगे बढ़कर लड़ता रहेगा। संगठन क्या कर रहा है? इसको लेके संगठन ने अपने उन कर्मचारियों से आज वार्ता की जिनको कल इस तरह से दुर्व्यवहार करके भगाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको हमने माननीय अफसासी अधिकारी महोदय को उनके ही द्वारा एक प्रार्थना पत्र उनको दे दिया है, जिस पर हम विश्वास और आशा करते हैं कि हमारे अफसासी अधिकारी महोदय उस पर न्याय जरूर करेंगे और हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी व मृतक हो चुके परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। कहाँ काम करते हैं? मैं इंदिरा नगर में काम कर रहा हूँ। किस विभाग में? नगर पालिका परिषद। रिटायर हो गए? जी। कब रिटायर हो गए? रिटायर हो गए करीब 8-10 महीने हो गए। अच्छा, कल जो आप भी गए थे नगर पालिका में अपना पैसा, क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है। ये लोग कह बताया कि वहाँ पे गाली भगा दिया गया। हाँ, गाली दिया गया। कौन दे रहा था गाली? वहाँ पर बैठे हुए बाबू लोग, तो उल्टा नोटिस भेज दिए घर यहाँ पे। कहाँ नोटिस भेजी थी? आपके कर्मचारी भेज दी थी, आपको गाली लोज किया तो गलत भेज दी। नहीं, कोई गाली की रोज नहीं हुई है हम लोगों की तरफ से। हम लोग तो मेहनत कर रहे थे कि साहब हम लोगों को पैसा दिया जाए और त्यौहार 50-50 हज़ार देने का भी वादा किया, तो वो भी नहीं किया कुछ। बताइए, आज हम 8 महीने से रिटायर हो गए हैं, हमारे बच्चे क्या कहें, हम क्या करें, बताइए।
पेंशन मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही, पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं, जिसके लिए मैंने पैसा भी 16,000 रुपये जमा किया। किसके पास? है शुक्ला बाबू के पास। उन्होंने कहा कि जल्दी आ जाएगी, तुम लोगों की टेंशन परेशान ना।